मदुरई के कांग्रेस के युवा नेता बंटी पटेल पे जो रासुका लगाई है, इसके बारे में आप प्रशासन को क्या संदेश देना चाह रहे हैं और जो किसान के इसमें उन्होंने जुखार किए? किसानों के आवाज़ उठाना, किसानों की बात रखना, इतनी बड़ी तबाही 100 साल के इतिहास में कभी नहीं हुई। कनान नदी कहो, पेच नदी कहो, जाम नदी कहो, ये सब बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। कपास, संतरा, सोयाबीन, मक्का, सारी फसलें चौपट हो गई। और यदि कोई किसान के पक्ष में आवाज़ उठाता है और यदि कोई रैली करता है और वहां पर ले जाकर के एसडीएम कार्यालय में अपना आक्रोश जताता है किसान, और उसका अगर कोई किसान का नेतृत्व करता है, ठीक है, उसने जो गलती करी कोई बहुत बड़ी सजा तो नहीं देनी चाहिए, उसने कोई इतना बड़ा भी जुर्म नहीं किया, किसी को कोई कॉलर पकड़ के मारा या किसी के साथ में कोई हथियार से हमला किया, पर दुर्भाग्यवश ये हम सबका दुर्भाग्य है कि किसानों की आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ दबाने का प्रयास है। मध्य प्रदेश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर यहाँ के अधिकारी, चाहे वो छिंदवाड़ा के अधिकारी हो, चाहे वो चौरई के अधिकारी हो या सौसर के अधिकारी हो, वो उनके भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं। इतना बड़ा कार्रवाई, छोटी सी गुनाह करने पर इतनी बड़ी सजा देना कि उसको जेल के सलाखों में डाल दिया, किसानों की आवाज़ उठाने वाले को जो है उसका जो गंभीर सिंह चौधरी पूर्व विधायक है उनका पेट्रोल पंप सील कर दिया, किसानों की आवाज़ उठाने वाले के जो व्यवसाय या कारोबार है उनके व्यवसाय और कारोबार को सील कर दिया, उनके सारे धंधे बंद कर डाले। ये एक बदले की भावना से किया हुआ एक षड्यंत्र है जिसकी हम कांग्रेस पार्टी और मैं समस्त मध्य सौसर विधानसभा की तरफ से इसकी घोर निंदा करता हूं, और इसके बारे में मैं चेतावनी देता हूं मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार को और यहाँ के प्रशासन को जो भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है, द्वेष भावना से काम कर रहा है। कई ऐसी घटनाएं इसके पहले हो चुकी, उज्जैन में एक भाजपा के कार्यकर्ता ने TI को धक्का मुक्की की, हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद उसको एक धारा नहीं लगाई, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उस महिला पुलिसकर्मी का ट्रांसफर कर दिया गया। भाजपा के लोग अगर कुछ कहें तो वो पुण्य का काम है, और कांग्रेस के लोग अगर कोई किसानों की आवाज़ उठाए तो वो पाप है, ये भाजपा की नज़र में है। हम सब इसका घोर विरोध करते हैं। मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि यदि उनके ऊपर जो रासुका लगाई गई वो तत्काल यदि नहीं हटाई गई तो हम कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में हम पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में सारे कार्यकर्ता और हजारों किसान जेल भरो आंदोलन करेंगे, यह हम उनको आगाना चाहते हैं। इसलिए मैं आज इस दिवस के अवसर पर जो किसानों की आवाज़ उठाई है, उनको जो जेल के अंदर डाला गया है, हम उसका घोर विरोध करते हैं और किसानों से हिम्मत धरने की बात करते हैं। किसानों को फूटी कौड़ी फेंक करके मार रहे शिवराज सिंह चौहान, मुआवजा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है, किसी की एक दीवार गिरी, दो दीवार गिरी, उसके नाम पर 3,000 और 4,000 रुपए खाते में डाले जा रहे हैं। इतना बड़ा घोर अपराध भाजपा की सरकार कर रही, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अधिक से अधिक किसानों को मुआवजा मिले, इस हेतु हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पित हैं, चाहे किसानों की लड़ाई के लिए हमको जेल जाना पड़े, अनशन पर बैठना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। भाजपा सरकार अपने मंसूबे पर कायम न रहे, भाजपा सरकार के मंसूबे कायम नहीं होने देंगे। मैं अंत में सबसे निवेदन करता हूं, पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं, सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो रासुका लगाई उसको तत्काल